गोंडा जनपद विकासखंड नवाबगंज के तुलसीपुर माझा स्थित रामप्रसादपुरे भगवानपुरे अर्जुनपुर गांव में संपर्क पथ को लेकर गांव के ग्रामीणों ने 2022 चुनाव में अपने मताधिकार का बहिष्कार करने की चेतावनी के साथ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रार्थना पत्र देने के बाद मानक विहीन मार्ग का निर्माण कर दिया गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण कुछ समय बाद सड़कों में गड्ढे हो गए, जगह जगह से सड़क टूट गई और कट गई। सड़क का नव निर्माण एवं सड़क को ऊंचा करवाने हेतु 2017 से यहां के ग्रामीणों ने संपर्क पद के लिए कई बार प्रशासनिक पदाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधियों तक को आवेदन किया, परंतु आश्वासन के सिवा जब कुछ नसीब नहीं हुआ तो नाराज ग्रामीणों ने आगामी चुनाव में मतदान का पूर्ण बहिष्कार की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने इस बार विधानसभा चुनाव में रोड नहीं तो वोट नहीं का विरोध प्रदर्शन लिंक रोड पर बोर्ड लगवा कर किया है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी को ऑनलाइन प्रार्थना पत्र भेजकर समस्या निराकरण कराने की मांग की है और कहा है कि समस्या का निराकरण होने के बाद ही हम मतदान करेंगे। क्या नाम है दादी आपका? गीता। क्या कहना चाहती हैं? अरे पठान के खाले हुए तो डूब जाएंगे। पठान साहिब सड़क ऊंचा चाहिए थे साहिब। सड़क ऊंचा चाहती हैं? पानी बहुत बात है। अच्छा, सिपुर माझा, ये क्या मामला है? हमारे गांव की इतनी बड़ी दुर्भाग्य, सब कहूँ सड़क बने तो झूरे झूरे जा, हमारे यहाँ सड़क बने तो सब नाव चले पूरे ऊपर। सबसे बड़ी समस्या यही है। मांग क्या है प्रशासन से? मांग यही है कम से कम 2-2.5 मीटर ऊंचाई में अगर ये सड़क बन जाए तो हमारे बहुत बड़ी मांग है। नहीं हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे चाहे जे आवत है। रहे हैं क्या मामला है पूरा? जी बात ऐसा है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती चली गई, सब इसी में मतलब समाहित हो गए। कोई किसी को मतलब सुख सुविधा नहीं मिल रहा है। आने वाली पीढ़ी उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी लोग की तो जो है तो बीतन चुकी है, लेकिन अब उन लोगों की कैसे कटेगी? जैसे 1.5-2 मीटर पानी इस पर हो जाता है, नाव से चलते हैं, इस सड़क का कोई वजूद नहीं रह जाता है उस समय जब बाढ़ आता है। अब बताइए हम लोग इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमारा गांव तुलसीपुर लगभग 150-200 फौजियों को मतलब भारत के लिए दे चुका है, फिर भी इसके लिए कोई सुख सुविधा नहीं है। क्या मांगे हैं आपकी ये बताओ? मेन मांगे तो हमारी है सड़क पुलिया। क्या नाम है आपका? कमला देवी। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं सर कि सड़क ऊंचा हो जाइए। सड़क ऊंचा चाहिए। बच्चे जो देख लो कि खाले पटाने के होते हैं तो डूब जाते हैं और हमको सबको आने जाने में दिक्कत पड़ती है और सड़क ऊंचा हो जाइए। सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से यही मांगते हैं कि जो कुछ हम सब मांगते हैं हमको जो कुछ विकास आते हैं तो कुछ मिलते नहीं है। अब ने हमारे सबके बच्चे हैं जो यत्ता तत्ता थे वो पढ़ने लिखने लेके कहाँ जाएं? जो स्कूल हमारे सबके यहाँ बनते हैं तो वो 6 से कहे 8 तक है, वो शुरू से कहीं नहीं है। आपके यहाँ प्राइमरी नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं है जी सर। हम बच्चे कहाँ पढ़ाई, सब गरीब मनाई हैं, कहाँ से लेके जाए पढ़ावे? हमको सबको यही चाहिए। नाम कृष्ण कुमार यादव है। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, सारे मुद्दा है। मुद्दा है आपका? क्यों आज ये मुद्दा क्यों आपके सामने आया, कारण क्या है इसका? मुद्दा इसलिए आया कि जो हमारे यहाँ सड़क नहीं थी तो हम लोग सड़क बनवाने के लिए फौजी भाइयों से विनती किया, उनसे अकिल बुद्धि पूछा, उन्होंने जैसा बताया वैसा करना शुरू किया। सड़क जब पटना शुरू हुई तो सड़क पास करने आए थे, उन्होंने कहा कि तुम लोग बोलोगे नहीं तो सड़क इतनी ऊँची नहीं पटेगी। हम लोग बोलना चाहा तो धमकियाए गए कि जो होती है वो होने दीजिए, नहीं बोलोगे तो ये भी नहीं बनेगी, और कुछ धमकियाँ दिए गए। हम लोग बोले नहीं, ये सड़क इस तरीके से बनाई गई ना सड़क में काम आवे ना गैर सड़क में रहे, ना ही बनी रहे से तभी ठीक रहे, ना ना ही निकसे पैदल जाओ तो पाथर गड़े, न फालन के जा सके ना भाई छोड़ी दिए पाथर बरखा माँ। ये हम लोगों को बहुत दिक्कत है। ये फौजी का आपने नाम लिया, ये फौजी कौन है? ये फौजी है श्रीकांत। अच्छा, नहीं फौज में इस गांव में ये फौजियों का गांव है? हाँ लमसम, यहाँ पर 200 से ज़्यादा फौजी, लगभग 150 फौजी लमसम है।